जय हिंद दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका कारोबार आए दिन बढ़ते जा रहा है और यह कारोबार भारत नहीं पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट ट्यूशंस की। प्राइवेट ट्यूशंस का रेवेन्यू आए दिन बढ़ते जा रहा है और कोरोना के बाद तो इसमें बहुत बड़ा बूम आया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में 7193 करोड़ रुपए का दुनिया में प्राइवेट ट्यूशंस का कारोबार चल रहा था, लेकिन यह अनुमान है कि 2027 में यह 11189 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह भारत की बात करें तो 4500 करोड़ रुपए रेवेन्यू है अभी भारत में प्राइवेट ट्यूशन कारोबार का, परंतु ऐसा अनुमान है कि 1800 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स की है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद ऑनलाइन कोचिंग्स बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और प्राइवेट ट्यूशन के मामले में भारत बहुत आगे निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बायजू अनअकैडमी, इनके कारोबार आसमान छू रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा भारत में प्राइवेट ट्यूशन 8वीं से ऊपर के बच्चे लेते हैं, में 2018 के आंकड़े देखें तो 35.5% 8वीं से ऊपर के बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेते थे, जिनकी संख्या 2021 में बढ़कर 41.1% हो गई। इसी तरह 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के 2018 में 28.6% प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या थी, जो कि बढ़कर 38.9% तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, यह प्राइवेट ट्यूशन का कारोबार बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, लेकिन हमें इससे सीख लेने की भी बहुत आवश्यकता है। ई लर्निंग की नई सीख, दाखिले से पहले चेक कीजिए फीस लेकर में हो जाए प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑनलाइन फीस लेने के बाद बंद होने के कगार पर आ जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार कोचिंग के बाजार में एयरटेक का टूटता सपना। जी हाँ दोस्तों, 9000 एयरटेक थे 2021 में और कई बंद हो गए हैं। 3500 लोगों को बायजूज अनअकैडमी ने निकाला, 9000 लोगों को निकाल चुके हैं 18 एयरटेक। जी हाँ दोस्तों, हम बताएं आपको कि एयरटेक क्या है। तो एयरटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शिक्षक के लिए, जो छात्रों को शिक्षा के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को परिभाषित करता है, जो कि अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। फिजिकल ट्यूशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को दाखिला दिलाने से पहले कुछ चीजों की जानकारी हमें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। कोचिंग की भूलभुलैया में आप क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्री कोर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का पेमेंट साइन करवा सकते हैं। कोर्स के लिए बच्चों को एनरोल करते समय पेमेंट से जुड़ी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेमेंट के बाद ये कोचिंग कहीं बंद ना हो जाए, इसकी पूरी जानकारी हमें लेनी चाहिए। कैसी लगी ये जानकारी? लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।